मंडा गांव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के हवेली और जो उनका घर था उस पूरे मामले की रिपोर्टिंग के बाद हम पहुंचे हैं ढिडिया मांडा में। ढिडिया मांडा में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम सिंह यादव जी हैं, 106 साल के हैं। आप समझ सकते हैं खबरें नहीं आ पाती हैं, लेकिन 106 साल के हैं और आपने उस सामंतवादी व्यवस्था को चैलेंज किया है जब दलित पिछड़े कोई चुनाव लड़ना या इस तरीके की भागीदारी में हिस्सा नहीं ले पाते थे। 50 साल तक लगातार प्रधान रहे हैं, LDB बैंक के यहाँ के चेयरमैन रहे, मेजा के चेयरमैन लगभग 35 साल तक रहे हैं और मांडा में ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। काफ़ी समय तक एक लंबा समय रहा है जब आपने लोगों की सेवाएं की हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव रहा हो, चाहे यहाँ से अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा है। इन सब मामलों के आप गवाह हैं, जिसे कहा जा सकता है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि कैसे लोग चुनाव लड़े और इस दुनिया से कुछ लोग कुछ भी कर गए। बाबूजी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। बाबूजी आपने तो सब कुछ बहुत करीब से देखा है और चूंकि मांडा इलाके के रहने वाले हैं इसलिए मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में जानना चाहूँगा, जिनको लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए जो काम किया वह अब तक कोई नहीं कर पाया। हाँ सही बात है, विश्वनाथ सिंह बहुत ही मानिंद मांडा के राजा थे, लेकिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया और अपना चुनाव वो मोटरसाइकिल से लड़े थे पूरे क्षेत्र में और यहाँ से सांसद बने फिर वो प्रधानमंत्री हुए। आप कभी उनकी मीटिंग में रहे हों तो उसका जरा हिस्सा बताइए। बहुत बहुत बार जब भी मीटिंग करते थे राजमहल में तब वो बुलाते थे और बहुत बाहर के लोग और क्षेत्रीय लोग सभी वहाँ इकट्ठा होते थे, हर समस्या को सुनते थे और हर कार्य करने का प्रयास करते थे, लोगों को शांति देने का बहुत कुछ करते थे। अच्छा राजा जी के बारे में कहा जाता है कि वह यहाँ पर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपनी हवेली पर उसके बाद नहीं कभी आए। नहीं कभी कभी तो आते थे लेकिन अपने हवेली के लिए वो पुताई सफाई और सब मरम्मत ये कुछ नहीं किए और वो अब उनका पता नहीं क्या ख्याल था कि अपने वो सफाई और पुताई कभी भी नहीं कराए, वो केवल देश ही देखते रह गए। मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया था वो कितनी बड़ी घटना थी? वो तो बहुत बड़ी घटना थी और बड़ा लोगों ने विरोध भी किया था लेकिन मंडल कमीशन उन्होंने लागू किया। अच्छा भाऊजी जब वो यहाँ से चुनाव लड़े थे तो कैसा कौतूहल था, क्योंकि उनके खिलाफ़ कौन था वो भी आप बताइए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ वही शास्त्री जी चुनाव लड़ रहे थे, अनिल शास्त्री थे। हाँ और वो लाल बहादुर शास्त्री के लड़के थे। हाँ और चुनाव लड़े और बहुत अच्छे ढंग से लड़े और विरोध भी करने वाले थे उस समय, लेकिन ये रहा कि जनता राजा साहेब मांडा के स्वभाव और व्यवहार से बहुत संतुष्ट रही और उनको लोग जिताए। और जी ये सामंतवादी व्यवस्था में आपने जो बैंक LDB बैंक वगैरह के चेयरमैन का पद था ये सब कैसे आप चला पाए? अब देखिए क्योंकि आपका इलाका भी बहुत सामंतवादी माना जाता है। बहुत माना जाता है, बहुत कुछ यहाँ यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और हम जब यहाँ लड़ाई हुई इस अध्यक्ष पद के लिए तो हमारा साथ ब्राह्मण समुदाय जितना था वो हमारे पक्ष में था,
हर जगह, चाहे वो कुराम तहसील का हो, चाहे मेजा तहसील का हो, ब्राह्मण समुदाय हमको बहुत सम्मानित किया और हमारी बहुत मदद किया है, मैं आज भी आभारी हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आज़ादी की कोई घटना बताइए जो आपको लगा हो कि वाकई में देश आज़ाद हो गया है आज़ादी के समय, मतलब 47 की बात। हाँ, अब समझ लीजिए कि उस समय तो माने लगान बंदी आंदोलन रहा और लोग बहुत पैदल चलते थे, लाई चना जेबा में रख के दिन भर चलते फिरते खाते चबाते थे, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं थी, और किसी के यहाँ अगर पानी पीने के लिए भी लोग जाते थे तो लोग हाथ पांव जोड़ते थे, अरे भैया आप लोग तो जाते हैं, हम लोगों को परेशान मत कराइए, और हम लोगों को कहीं बाड़ी में बगीचा में कहीं मतलब पानी पिलाने के लिए या खाना खिलाने के लिए ले जाते थे, और बहुत बहुत उस समय लोग हथेली पर प्राण लेकर के ये सब संगठन कार्य और ये आंदोलन कर रहे थे। अच्छा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने उस समय की कोई घटना बताइए जिससे लगा हो कि एक ऐसा नेता आया है जो मांडा का विकास नहीं पूरे देश का विकास कर रहा है। अब लोगों की तो बड़ी आशा रही, बहुत उम्मीद रही, लेकिन देश में भले ही विकास किए हों, सब कार्य किए हों, लेकिन मांडा में कुछ नहीं किए हो, वो क्यों रे कि हम यहाँ का विकास करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे कि अपने क्षेत्र के अपने गांव का विकास कर रहे हैं, इसलिए मांडा का विकास वो कुछ नहीं किए, जो कुछ किए बाहर किए। अच्छा क्या वजह थी कि उनकी और उनके परिवार की राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म होती दिखाई दे रही है? अब ऐसा रहा कि उनके वही राजनीति में थे विश्वनाथ प्रताप, उनके दो लड़के वो राजनीति में कतई कदम नहीं रखे, जिसलिए कि उनकी राजनीति वहीं समाप्त हो गई। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मंडल, उसके पीछे कोई वजह तो होगी। अब वो आपसी फूट, लड़कों के बीच आपसी फूट, क्या मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू उन्होंने की थी पिछड़ों के लिए जो आरक्षण दिया था, क्या वह एक बड़ी वजह है? बड़ी वजह है, लोग बड़ा विरोध किए उसका, बहुत विरोध किए, और वो विरोध चला, लेकिन मुख्य बात ये रही कि उनके लड़के राजनीति में कदम नहीं रखे, जिसके वजह से उनकी राजनीति वहीं समाप्त हो गई। भाजी आज आप बीपी सिंह को किस रूप में याद करते हैं? वो हमारे यहाँ के राजा तो रहबे के प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और बहुत ही मतलब सम्मानित रहे। हम लोगों की बड़ी खुशी है कि इस मांडा के धरती पर राजा साहब एक सपूत पैदा हुए जो कि देश विदेश और हर जगह उनका नाम हुआ, उसके नाते हम लोग भी पीछे उनके सम्मानित हैं कि हमारे क्षेत्र के वो प्रधानमंत्री रहे, राजा रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो ये तो बड़ी गौरव की बात है। भाजी कभी कोई काम आपने उनसे कहा हो तो कुछ रिएक्शन रहा हो उसको ज़रा बताइए। अब छोटा मोटा काम तो मतलब वो कर देते थे, माने जैसे बहुत निजी, लेकिन कौन सार्वजनिक काम के लिए न तो कहा गया और न तो सार्वजनिक काम यहाँ वो खुद कराए। अच्छा आज कल राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, इसको लेकर के किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं, समय की मांग थी ये दोनों आदमी कि मिलकर देश की भलाई करें या लड़ाई करें, ये समय की मांग रही, ये बहुत ही अच्छा हुआ जो कि अखिलेश और मायावती एक साथ संगठन के साथ लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात।
बाबू जी, आपने मुलायम सिंह यादव से भी कई बार आपकी मुलाकातें हुई होंगी, तो मुलायम सिंह यादव उस समय राजनीतिक दल बना रहे होंगे जब आप जब उनको देखे होंगे, तो क्या तब से लेकर के आप कुछ बताना चाहेंगे मुलायम सिंह कैसे रहे? देखिए, जब वहाँ वार्षिकोत्सव होता रहा एक भूमि विकास बैंक, तो उस वार्षिकोत्सव में मुलायम सिंह आते थे और वो घर घर शौचालय बनवाने के लिए, ये सर्वप्रथम मुलायम सिंह का प्रस्ताव था। अब यह करीब करीब जितने LDB ब्रांच के चेयरमैन थे ये सब जानते हैं कि यह प्रस्ताव उन्हीं का था और उनके ज़माने में ही शुरू हुआ था। उस समय 1200 रुपया प्रति शौचालय दिया करते थे, तो उनकी सोच तो बहुत ऊंची थी और पिछड़ों के मसीहा थे, और आज पिछड़ों की गिनती हो रही है, उन्हीं की देन है मुलायम सिंह की। अरे बाबू जी, आपकी उम्र 106 साल है, तो एक खान पान में क्या सावधानी कितनी बरतते हैं? सावधानी मतलब तो बरतना पड़ता है, अब आज से नहीं सदैव सदैव से, माने नियम संयम के साथ सोना जागना और उठना और भोजन शाकाहारी शुद्ध समय समय से, और ये सब नियम संयम में हैं। और हमारे परिवार में जो हमारे सेवा में हैं वो भी बहुत नियम संयम के साथ समय समय से हमारी देखभाल तमाम सब उपचार करते रहते हैं। आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या सरकार से पेंशन वगैरह समय पर मिल जाती है? हाँ, केंद्र सरकार भी और प्रांत सरकार से गुजर बसर के लिए मिलती है। कुछ और सरकार से आप कहना चाहें? अब सरकार से कहना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ है, कौन सुनता है, और इसलिए कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। फिर भी एक बात जो कहना चाहें, एक ही बात बताइए। अब कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्षेत्र का विकास हो, लोगों को शांति मिले और हर तरह से अमन चैन रहे, और जहाँ छोटे मोटे काम है, सड़क है, पुलिया है, और छोटे मोटे काम ये सरकार को करना चाहिए। नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये है कि जैसे मान लीजिए क्षेत्र में लूला लंगड़ा असहाय के लिए कोई योजना अगर दे दें, तो यहाँ असहाय या वृद्धा या लूला लंगड़ा अंधा, इनका माने सेवा करने के लिए कोई अवसर मिले तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजाराम सिंह यादव जी हैं, वर्ष 2013 से लेकर के 2019 तक एक तरीके से कहा जाए तो 106 साल पूरा कर चुके हैं, और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और हम सबसे वयोवृद्ध दादाजी का इंटरव्यू कर रहे हैं, और मांडा यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर होगा, और BP सिंह और अमिताभ बच्चन समेत कई लोगों के चुनाव को इन्होंने बहुत करीबी से देखा है। हेमंती नंदन बहुगुड़ा का भी बहुत अच्छी तरीके से आपने चुनाव देखा है, और आपकी इच्छा है कि इलाके का जो विकास नहीं हो पाया है सरकार उस पर ध्यान दे, और निश्चित रूप से विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो दूरदर्शिता थी वह अपने आप में बहुत बड़ी थी, और पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। ऐसे ही नहीं, उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है। मंडल कमीशन की जिस सिफारिश को कोई लागू नहीं कर सकता था, उसको उन्होंने लागू कर या दिखाने की कोशिश की है कि वह वाकई में पिछड़ों के असली प्यार के हकदार हैं। मांडा से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्णमोहन। खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और सबसे पहले खबरें पाइए। लाइक और शेयर करना न भूलें।